लोकसभा चुनाव में हार के बाद लापता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, दोस्तों मैं पिछले कुछ हफ्ते से लिगामेंट और घुटने की चोट का इलाज कराने में व्यस्त था। हालांकि मैं राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के एक धड़े की मसालेदार कहानियों को देखकर मजे ले रहा हूं। उन्होंने ताबड़तोड़ 4 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने यह भी कहा, हम उन लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं जो हमको समाजवादी पंथ निरपेक्ष और सामाजिक न्याय के विकल्प के रूप में देखते हैं। साथ ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यहां हैं और लड़ाई जारी है। हालांकि घटनाक्रम से मुझे अलग तरीके से चीज़ों का अध्ययन करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने में मदद मिली। तेजस्वी ने कहा, चमकी बुखार से अचानक सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। इस दुखद क्षण में आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पीड़ित परिवारों के घर जाने को कहा गया। साथ ही उनसे कहा गया कि वे बिना किसी फोटोबाजी के पीड़ित परिवारों के लोगों से मिले। इसके अलावा सांसद से इन मसलों को संसद में उठाने के लिए भी कहा गया। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि आरजेडी अपनी स्थापना के समय गरीबों के संघर्ष का केंद्र रही है और यह स्थान हम केवल चुनाव हार के कारण नहीं गंवाएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद से ही तेजस्वी कहा गए थे।